मैं अपने सभी हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ कि वो सतर्क हो जाएं और ये इनसे दूरी बनाए रखें, नहीं तो ये आने वाला हमारे लिए कल है। आप अभी भी टाइम है, सतर्क हो जाइए, नहीं तो ये कभी भी वार कर सकते हैं। दोस्तों आप सब कैसे हो, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों मैं हूँ तफज्जुल हुसैन और आप लोग देख रहे हो टीएल गैलरी। दोस्तों आप सब ने देख रहे हैं सोशल मीडिया पे वायरल होते जा रहा है, मीडिया भी इसका ऊपर बात करने के लिए चर्चा कर रहा है, जो द कश्मीर फाइल्स एक सिनेमा है। ये सिनेमा नहीं है, मैं कहता हूँ ये तो दंगा है, क्योंकि इस माहौल में इस टाइम पे ये जो सिनेमा आया है, ये सिनेमा कभी नहीं होता है, वो सिनेमा नहीं है, ये दंगा कराने का कोई तरीका निकला है ताकि हमारे जो भाईचारा के बीच में लड़ाई हो, लफड़ा हो, इसके लिए ही ये बनाया गया है, ताकि राजनीतिक जो सत्ता है, सत्ता को 2024 में ये बताने का जरूरत नहीं, आप सभी को पता है। तो इस वीडियो में ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर कश्मीर फाइल्स है, कश्मीर में जो सब हादसा हुआ उसके ऊपर हम लोग दुखद हूँ, बहुत अफसोस करता हूँ, ये होना नहीं चाहिए था। तब सुना था तो तब भी झूठ मित्र, जो बीजेपी सरकार के इस टाइम पे ही ये सब हुआ है, तब नरेंद्र मोदी जी कहाँ थे, बड़े बड़े नेता लोग कहाँ थे, सभी लोग थे, लेकिन वो हादसा करवाया गया। अभी फिलहाल जो मसा हमारा इंडिया में इतना भाईसारा आते रहा है, इतना भाईसारा में हम लोग जी रहा हूँ, इतना सुकून में इस वक्त क्यों ये फिल्म निकाल के हमारा बीज ये देख रहे हो आप लोग, लोग क्या जाए श्री राम नारा लगा रहा है, मुसलमान के ऊपर नफरत के बीज बुंदे जा रहा है, वो कभी सही नहीं है। हम हिंदू मुस्लिम का भावना का ऊपर यह ठेस पहुंचाने वाला एक एजेंडा है, इसका ऊपर हम सब सतर्क होके इसका विरोध करें, और ये जो सिनेमा है इसको बॉयकट करने के लिए हम लोग मांग करें, दावी उठाएं, वरना ये देश बहुत पीछे जाएगा। हिंदू मुस्लिम करते करते हम लोग का जो देश को आगे ले जाने का उम्मीद था, भरोसा था, वो अभी कहाँ जा रहा है, 2011 से लेकर अभी कहाँ तक नीचे गिर गया है, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर, ऐसे हालात देश में हुआ है। और अभी जो मुद्दा है बेरोजगारी ऊपर सवाल उठेगा, या हमारे पास काम धंधा नहीं है, देश का गरीबों का हाथ में पैसा नहीं है, जो मध्यम लोग है, जो सब छोटा मोटा व्यापारी है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है, अभी क्या करें, इसके लिए ही ये सब लाया गया है, 2024 के लिए ये सब तैयारी किया जा रहा है दोस्तों, इसलिए हम लोग सतर्क हो जाए। अगर मैं मानता हूँ कश्मीर का वो तो हम लोग दुखद करता हूँ, लेकिन ऐसे आसाम में नैली में हुआ है 1983 में जो हादसा हुआ, हजारों हजार मुसलमान का ऊपर अत्याचार किया गया है, छोटा छोटा बच्चों का ऊपर अत्याचार किया गया है, लेकिन उसके लिए भी तो फाइल निकलना चाहिए, गुजरात दंगा के लिए भी फाइल निकलना चाहिए, लेकिन निकला नहीं, बस वही निकला। अगर आपके हक है तो इसका भी हक है, लेकिन यह सब करवाया जाता है सरकार के द्वारा, जब कोई सरकार है सत्ता के लिए ही ये सब करता है, कोई आम आदमी इसका सपोर्ट कभी नहीं करता है, कभी वो नहीं सोचता, जो कहीं मुसलमान नहीं सोचता है कोई हिंदू मरे, और कोई सच्चा हिंदू नहीं सोचता है मुसलमान मरे, क्या बताऊं दोस्तों। आप लोग ने देखे होंगे बहुत सारे लोगों ने रिएक्शन किया, मेरा भी यही गुजारिश है, आप लोग इसका ऊपर आवाज़ उठाएं और यह सिनेमा को बॉयकट करें, और हमारे जो शांति है देश की वो भावनाएं एक साथ जुड़े रहे, यही उम्मीद के साथ इस वीडियो में आप सभी का सामने शेयर किया। जय हिंद, जय आया हो।